सो हे गाइज, वेलकम न्यू वीडियो। तो गाइज यार, मैंने दो चार दिन पहले एक वीडियो डाला था फ्री फायर ब्लैक स्क्रीन फोन 100 में करके। तो गाइज वहाँ पर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया था। तो गाइज ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी गए थे, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयर भी किया था दोस्तों। वहाँ पर मुझे एक दो कमेंट आ रहे थे कि भाई जो फ्री फायर तो चल गया हमारा, लेकिन जो माइक है फोन 100 में, जो माइक की प्रॉब्लम है वो फिक्स नहीं हो रही है। माइक भी ज़्यादा नॉइस आ रही है माइक के अंदर, और स्क्रीन रेजोल्यूशन भी उसमें फिक्स नहीं हो रही है। स्क्रीन कटी फटी रिकॉर्ड हो रही है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो एक दो मुझे कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों, आज मैं इसी के टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम है ना, गेमिंग से रिलेटेड या पीसी से रिलेटेड, आपको सिर्फ कमेंट करना है और आपका भाई उसका फिर वीडियो ज़रूर से बनाएगा, ठीक है ना। जो भी आपका कमेंट है वो आपको कमेंट कर देना। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी जो OnyXOS की जो ओरिजिनल ऑडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि यार जो ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ ना, है 100% वर्क करेगी। हेलो वेलकम गाइस। तो दोस्तों ये थी मेरी फोन 100 की बिल्कुल क्लियर ऑडियो। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड बताऊंगा जिसके तहत, जिसके द्वारा आप लोग अपनी जो फ्री जो फोन 100 में जो रेजोल्यूशन यानी कि जो माइक की प्रॉब्लम वो बिल्कुल फिक्स कर पाओगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे, एक तो आपकी माइक की प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए, और एक आपकी जो स्क्रीन की जो रिकॉर्ड करती है तब कटी फटी होती है उसकी फिक्स करने के लिए। दोस्तों मेरे पास भी प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने फिक्स कर लिया, तो आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र इसके अंदर आपको मिल जाएगा, सिंपली इस ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपके सामने जो साइट्स होगी, आपके सामने साइट नहीं होगी, अगर आप पहली बार ओपन करोगे तो आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। सिंपल सा आपको ओपन करना है। फिर यहाँ पर आपको गूगल क्रोम का ऑप्शन में गूगल का ऑप्शन मिलेगा, आपको गूगल पर टैप करना है और उसे ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो सर्च कर रहा हूँ सिंपल आपको वहीं टाइप करना है और उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पर सर्च करना है जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ES फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है ना। ES फाइल एक्सप्लोरर जो भी है, मुझे यार उसका नाम नहीं आ रहा, ठीक है। जो भी मैं आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हूँ वैसे का वैसा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। ES फाइल एक्सप्लोरर सर्च APK सर्च करके आपको सर्च करना है। यहाँ पर मैंने तो सर्च किया है, सिंपल सा आपको वहीं सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद हमें थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पर हमारी जो पहली साइट आएगी इसके ऊपर क्लिक करके हमें इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। सबसे पहले जो ऊपर में हमारी साइट दिखा रही है सबसे टॉप वाली, आपको उसी के ऊपर टैप करना है और आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करना है तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके सामने इस तरीके से एक इंटरफेस होगा, ठीक है ना। इसके बाद में आपको ES फाइल एक्सप्लोरर दिखा हो जाएगा, उसका लेटेस्ट वर्जन के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उसे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है और देन आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है गाइज। यहाँ पर आप लोग ऊपर के सामने जो डाउनलोड का बटन दिख रहा है यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा, और ये हमारी जो फाइल है ये डाउनलोड हो रही है। फिलहाल मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। और फिर आपको डाउनलोड करते ही आपके सामने उसका इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सिंपली से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर एक और फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ वैसा के वैसा आपको सर्च करना है स्क्रीन रेजोल्यूशन प्रो, रेजोल्यूशन प्रो APK करके आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन प्रो करके आपको यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। स्क्रीन रेजोल्यूशन प्रो APK आपको सर्च करना है यहाँ पर, तो जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ वैसा के वैसा आप लोगों को सर्च करना है स्क्रीन रेजोल्यूशन प्रो, स्क्रीन चेंजर प्रो, इसे आपको सर्च करना, ठीक है। स्क्रीन चेंजर आपको इसे सर्च करना, ठीक है। आपको फिर नीचे वाली जो साइट मिल रही है ना, यहाँ पर जो ऊपर के बाद आपको नीचे जो साइट मिल रही है आपको वहाँ पर क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है स्क्रीन चेंजर प्रो करके आपको मिल जाएगा, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको करना क्या है, आगे प्रो और लगा देना। अगर आपको स्क्रीन चेंजर से आपको नहीं मिल रहा है तो आपको इसके आगे प्रो भी लगा देना, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रो लगा के सर्च करते हैं प्रो APK। तो ये सर्च करने के बाद जो हमारा जो पहला ही पहला वेबसाइट आएगा स्क्रीन चेंजर प्रो करके, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। पहली साइट पर आपको क्लिक करना है, ये कुछ 300 KB का है, ये जो MB का भी नहीं है, तो आपको सिंपल तरीके से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा डाउनलोड APK करके, तो आपको सिंपल से इस APK के ऊपर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम इसे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है तो मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल से इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, तो आपका ईजिली ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख लो कि हमारा डाउनलोड कम्प्लीट भी हो चुका है। बिकॉज हमारा डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है, अगर देख थोड़ा वेट करते हैं। थोड़ा वेट करने के बाद ऑटोमेटिक ये जो APK इंस्टॉलर है आपका ओपन हो जाएगा। पहले वाले में भी ऐसे ही ओपन होगा, तो मैंने पहले से इसे इंस्टॉल करके है तो इसलिए मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा।
तो गाइस ये तो हमने दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए, अब इनको कैसे क्या यूज़ करना है। तो सबसे पहले माइक की प्रॉब्लम जो थी हमारी, वो माइक की प्रॉब्लम फिक्स कर लेती है। तो इसके लिए आपको ये फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सामने परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ रिमेंबर चॉइस करके उसे अलाउ कर देना, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर रूट ऑप्शन अनेबल कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको नीचे एक रूट ऑप्शन का, यहाँ पर टूल्स के अंदर आपको ये मिलेगा, और फिर आपको ऑटो रन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। ऑटो सेटिंग के अंदर जाना, ऑटो रन के अंदर आपको जाना है। फिर आपने जो ES फाइल एक्सप्लोरर था और उसे और स्क्रीन चेंज रेजुलेशन चेंजर आपको दोनों को आपको ऑन कर देना है। फिर आपको यहाँ पर रूट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। रूट परमिशन इसे भी आपको ऑन कर देना है। फिर यहाँ पर आपको टूल्स के अंदर जाकर इसे भी अनेबल कर देना, ठीक है। फिर आपको करना है कि आपको सिंपल स्टोरेज के जाना, अंदर जाना है। इसमें क्या, आपको यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग आ जाओगे, फिर आपके साइड के अंदर आपको जो फ्लैश का ऑप्शन दिख रहा है ना, ठीक है ना, ये स्लैश वाला, यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और फोल्डर मिलेगा। फिर आपको ECT पर आप लोग क्लिक करना है, ठीक है ना। मैंने जो क्लिक किया वैसे आप लोग क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप लोगों को नीचे की तरफ आना है, ठीक है। यहाँ से आपको नीचे की तरफ आना है और आपको जहाँ सामने जो ये वाला फोल्डर है ना, तो ये ध्यान से देख लो, इसका नाम भी आप लोग देख लो, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करना है। और आपके सामने जो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको ES फाइल नोट्स चेंजर ऐसे करके आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारी कोडिंग दी हुई है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। सिर्फ आपको दो चेंजेस करने हैं इसके अंदर, आपकी जो नॉइस की प्रॉब्लम वो बिल्कुल फिक्स होगी। आपको नीचे आना है, नीचे आना है और नीचे आना है। यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आना, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने जो जीरो कर रखा है ना, यहाँ पर आप लोग सामने इन दोनों के ऑप्शन के ऊपर आपको 3 होगा, ठीक है ना, 3 होगी। आपको यहाँ पर 3 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, आप क्या करना है उसे कट करके 0 कर देना, ठीक है ना। जैसे मैंने कर रखा है 0, वैसे के वैसे आप लोग को यहाँ पर 0 कर देना, 3 होगा, बट आपको यहाँ पर 0 कर देना है। और नीचे वाले पर भी आपको 3 होगा, तो आपको इसे भी 0 कर देना, ठीक है। नीचे भी आपका 3 होगा, आपको दोनों में 3 होगा, आपको 0 करके यहाँ पर आपको इसे सेव कर देना है। सेव कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर 0 कर लीजिए, आपकी जो माइक की प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। और यहाँ पर आपको एक सेव का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको इसे सेव कर देना, ठीक है ना। 0 करके आपको इसे सेव कर देना है। फिर आपको बैक आ जाना दोस्तों, ये तो हमारे माइक की प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। अभी आप माइक चेक मत कीजिए, आपको अपने पीछे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। उससे पहले हम जो अपनी स्क्रीन रेजुलेशन की प्रॉब्लम थी, हम उसे भी फिक्स कर लेंगे। जो हमने डाउनलोड किया था रेजुलेशन चेंजर करके, आप उसे ओपन कर लेना, ठीक है। इसे ओपन कर लेना तो अब अभी आपके सामने परमिशन मांगे, आपको अलाउ रिमेंबर चॉइस करके आपको उसे अलाउ कर देना, ठीक है। अब आपको हाइट के अंदर क्या लिखना है, जैसे मैंने लिख रखा है वैसा के वैसा आपको लिख देना है। 1360 करके आपको यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर आप लोग देख लो, जैसा मैंने लिख रखा है वैसा के वैसा यहाँ पर लिख के आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ पर आना है और हेड के अंदर आपको लिखना है, जैसा मैंने लिख रखा है वैसा आपको लिख देना है, 760 है ना, 760 आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आपको इसे अनेबल कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको टिक नहीं होगा तो आपको इसे टिक कर देना है। सिंपल सा आपको जो मैंने चेंजेस किए हैं ना, वैसे के वैसे चेंजेस आप लोगों को करने हैं, और सिंपल सा आप लोग इसे चेंजेस कर पाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास एरर आ, बट आपके सामने कोई भी एरर नहीं आएगा। आप लोग सिंपल सा इसमें जो चेंजेस मैंने किए हैं, वैसे के वैसे चेंजेस आप लोगों को यहाँ पर कर देना है। DPI को आपको छेड़ना नहीं है, DPI के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोनों चेंजेस के अंदर करने हैं। फिर आपको ओके करके इसे अनेबल करके आपको इसे कर देना। फिर आपको अपने PC को रिस्टार्ट करना है। आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डर चेक कर लेना, और मैं आपको लोग बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर जो मैं यूज़ करता हूँ उसके बारे में आप लोग दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ ADV स्क्रीन रिकॉर्डर, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ADV स्क्रीन रिकॉर्डर मैं यूज़ करता हूँ, जो आपको इजीली प्ले स्टोर के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा।